एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि है 8 जनवरी के। ओके, तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे PYQ जो है इस चैनल पे मिलते रहे और सीक्रेट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलती रहे। ओके, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो मोस्टली हम लोग क्वेश्चन जो है हिंदी में ही करते हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो हिंदी में ही होती है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है और हमारा इंडिया जो है इस तरफ है, राइट, ईस्ट की तरफ है हमारा इंडिया। तो कौन सा ऐसा देश है जो हमारे इंडिया के उल्टा पड़ेगा, ठीक है? तो ये आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या फिर युगांडा। सो द करेक्ट आंसर इज़ अर्जेंटीना, ठीक है? जो अर्जेंटीना है वो टोटली हमारे उल्टा होगा, ठीक है, इंडिया के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। पोचमपल्ली जो है वो एक शहर है जहाँ अधिकांश परिवार जो है बुनाई का कार्य करते हैं। ओके, एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वो बुनते हैं उसे पोचमपल्ली कहा जाता है। तो यह शहर जो है वो जहाँ सुंदर चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनती है वो किस राज्य का भाग है। ओके, तो शहर का नाम तो आपको पता चल चुका है कि पोचमपल्ली है, बट वो कौन से राज्य में आता है, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका, तेलंगाना में आता है आपका पोचमपल्ली, ठीक है? जो पोचमपल्ली साड़ी है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो तेलंगाना ही राज्य है जहाँ पर पोचमपल्ली शहर जो है वो स्थित है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अनियन क्रॉप्स विच आर नॉट गिवन इन द सिक्वेंस। ओके, मीन्स कि नीचे प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, जो उचित क्रम में नहीं है वो आपको बताना है। ओके, नहीं है तो नीचे जो दिए गए हैं ना वो उचित क्रम में नहीं है, तो हमें उसे क्या करना है, एक सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम लोगों को प्याज की खेती करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो वो आपको इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? तो खरपतवार हटाना, गुड़ाई करना, बीज बोना, प्याज के ऊपर के सूखी पत्तियों को हटाना, प्याज को उखाड़ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसको अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुड़ाई करेंगे। ओके, गुड़ाई का मतलब क्या होता है, डिगिंग टू लूज द सॉइल, डिग करेंगे ताकि जो हमारा सॉइल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब बीज हमारा जो हमारा ज़मीन है जो हमारा सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग उस पर क्या करेंगे, बीज बोएंगे। तो BC, बीज बोने के बाद क्या हो जाएगा, बीज थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसके बाद ना बहुत सारे खरपतवार भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है? और खरपतवार को फिर हम लोग हटाएंगे और इसके बाद प्याज को उखाड़ेंगे और उसके बाद प्याज के ऊपर की जो सूखी पत्तियां हैं वो हटाएंगे। तो सबसे लास्ट में कौन सा प्रक्रिया होगा, डी वाला। और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4th one, BCAED। ओके, BCAED, सबसे पहले मिट्टी को हम लोग सॉफ्ट करेंगे, बीज बोएंगे, बीज के बाद उसमें हम लोग खरपतवार हटाएंगे, फिर प्याज को उखाड़ेंगे, उसके बाद प्याज की सूखी पत्तियां हटा देंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। किसी पुस्तक में गोलकंडा किले का मानचित्र दिया गया है, ठीक है? और वो मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर, ठीक है? तो मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी जो है ना, इन दोनों की दूरी कितनी है, 13.3 मीटर। तो इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी वो आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, आपको ऑलरेडी दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 110 मीटर। ओके, सो 13.3 मीटर इक्वल्स टू कितना, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1463 मीटर, ठीक है? सेंटीमीटर में आंसर आएगा आपका, ठीक है? इसका आंसर आपको मीटर में निकालना है ना, तो कितना होता है,
1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। इसका आंसर आपको किलोमीटर में निकालना है। तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो इसको 1, 2, 3 के बाद अगर पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 1.463, ठीक है। बट आंसर 1.4 होना चाहिए, बट आपकी जो बुक है उसमें दिया है 1.5, हो सकता है कि राउंड फिगर उसको कर दिया गया हो, क्योंकि 1.46 है तो इसको राउंड फिगर 5 कर दिया गया होगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट दिया हुआ है सीटेट के आंसर के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ओके, जबकि ईवीएस जो होता है वो बहुत इजी पेपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 65 वाला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में से अलबरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था, मतलब 1000 वर्ष से पहले हमारे इंडिया में आए थे अलबरूनी, तो इनके बारे में सही कथन को चुनना है। ओके, ये वह एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा, वह अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी, उनकी पुस्तक से हमें अपने देश की भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। ओके, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो अगर हम बात करें ना, तो ए सी डी ई इज़ द करेक्ट आंसर, सिर्फ बी जो है ना वो गलत है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनके बारे में सही है। ओके, क्योंकि ये जो थे ना, ये यात्री थे हमारे देश में आए थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी हमारे ऊपर, ठीक है, हमारे इंडिया के ऊपर, और जो चीज़ें उन्हें अपने देश से अलग लगी वही चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने तालाब, जिस प्रकार से हमारे इंडिया का तालाब बनाया गया था ना, वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उसके बारे में भी उन्होंने उल्लेख किया है। दूसरी बी गलत छोड़कर ए सी डी ई इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चलो देखते हैं 66 वाला। कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, स्नेक, टर्टल, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन ऑल दिस एनिमल्स। तो कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? ओके, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट, दे ले एग्स, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल्स। ओके, तो कौन सा सही है इनके बारे में ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर इसके बारे में बताओ तो इनके 3 हृदय होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं सबके पास 3 ही हृदय हो, ठीक है। एक चीज़ अगर कॉमन देखी जाए, सांप भी अंडा देता है, छिपकली भी अंडा देती है, मेंढक भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी अंडा देता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये सही है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखो जो सांप, जो पानी वाले सांप होते हैं ना, वही पानी में रह पाते, सारे सांप पानी में नहीं रह पाते, ठीक है, और छिपकली तो बिल्कुल भी नहीं पानी में रहती है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा, राइट। और उनके शरीर शल्क से ढके रहते हैं, ज़रूरी नहीं है शल्क से ढके रहते हैं, सिर्फ सांप के ऊपर ही तो कवर रहता है, बाकी किसी भी ऊपर कवर नहीं रहता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द कॉमन है सबके लिए, तो 2 जो है वो सही है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। इफ़ यू आर लोकेटेड एट अहमदाबाद गुजरात एंड ड्रॉ ऑन द मैप ऑफ इंडिया अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली, द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली फ्रॉम अहमदाबाद विल बी, ठीक है। तो मतलब कि ये हमारा इंडिया होगा, हो गया, ठीक है। आप गुजरात में हो, गुजरात के अहमदाबाद में हैं, आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में, ठीक है। तो दिल्ली डायरेक्शन क्या होगा, दिल्ली से अहमदाबाद का डायरेक्शन क्या होगा वो आपको बताना है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ। दिल्ली कहाँ पर पड़ती है? नॉर्थ पे पड़ती है, ठीक है। और 67 का आंसर बताना, 67 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ, वैसे तो वेस्ट होना चाहिए, राइट, क्योंकि देखो इस तरफ है हमारा दिल्ली, इस तरफ है अहमदाबाद, इस तरफ है, तो वेस्ट होना चाहिए, बट सही आंसर तो दिया है नॉर्थ ईस्ट। ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। एन एक्सप्रेस ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स, इट स्पीड्स इन मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन देखो बार बार आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है।
ये आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप 144 को दो से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है 144 और टाइम कितना है, 2 घंटा लग रही है। जब इसको आप डिवाइड करोगे कितना आंसर आएगा, 144 है ना, 2 2 7 40 00 and 2 2 4 मतलब 72 आंसर आया, ठीक है। 72 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, डिवाइडेड बाय करोगे आप 18, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, करिए आप 72 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 10, 5 2 कितना हो जाएगा 10। इसके बाद 75 2 5 2 10 and 7 2 14 15, 150 हो जाएगा। अब इस 150 को क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो कैसे करोगे, कर लीजिए आप। तो इसका सही आंसर जो होगा ना, 68 का करेक्ट आंसर जो है वो 2 है, 20 meter second, ओके। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 वाला। मिजोरम में सब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्यौहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं और गाते हैं और नाचते भी हैं, तो इस विशेष नाच का नाम बताएं। मतलब मिजोरम के जो लोग हैं ना, वो स्पेसिफिक कौन सा डांस करते हैं वो आपको बताना, डांस फॉर्म बताना, ठीक है। तो चेराओ डांस करते हैं, तोरंग डांस या कुड़ुक डांस या फिर झूम डांस। सो द करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए चेराओ डांस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने 50 बार पढ़ लिया है, राइट। सो चेराओ डांस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 71। पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी जो होता है होती है वो उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, तो उसी में अंडे भी देती है। तो पक्षियों की स्पीशीज़ को क्या नाम देते हैं, ठीक है, मतलब उस टाइप उस काइंड ऑफ जो बर्ड्स होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सी बर्ड जो है वो अंडे देती है दूसरे के घोंसले में जाकर, इन शॉर्ट ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो कोयल, विवर पक्षी या शक्कर खोरा या फिर बसंत गौरी, कौन सा ऐसा बर्ड है जो दूसरे के घोंसले में जाके अंडा देता है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। विवर पक्षी जो है ना वो अपने इच्छा अनुसार जो घोंसला उसको अच्छा लगता है उस घोंसले में जाके अंडा देती है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी है वो आपको बताना है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो बताना है, 6 7 9 या फिर 11। इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग बट नया क्वेश्चन है तो ये बार बार एग्जाम में आएगा और इस बार भी आने की चांसेस है, ओके। तो पहले आप लोग जानते होंगे कि 7 थे, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया तो कितने बन गए, 8, राइट। इसके बाद दमन एंड दीव को दादरा नगर हवेली से अलग कर दिया गया तो कितना बन गया, 9। सो द करेक्ट आंसर इज 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 9 केंद्र शासित प्रदेश है टोटल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स, लिजर्ड, बैट, इंडियन रॉबिन या फिर स्कॉर्पियन, ओके। मतलब नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग में है, छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू कौन से वर्ग में आते हैं, सरीसृप, पंछी या स्तनधारी कीट, स्तनधारी सरीसृप पंछी या कीट, स्तनधारी सरीसृप कीट और पंछी या फिर सरीसृप स्तनधारी पंछी या फिर कीट, सही आंसर क्या है 72 के लिए। तो सही आंसर है 4th सरीसृप स्तनधारी पंछी और कीट, ठीक है, क्योंकि जो कल चिड़ी है वो एक पंछी है, बिच्छू जो है वो एक कीट है, चमगादड़ जो है वो क्या है, स्तनधारी है, छपकेली जो है सरीसृप मतलब कि फिसल फिसल के चलती है सांप की तरह, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज 4th सरीसृप स्तनधारी पंछी और कीट इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वो अपना वाद्य यंत्र मतलब कि जब बीन बजाता है तो सांप जो है उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। तो सांप का के बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है, मतलब जो सांप है ना वो बीन सुनकर ही क्यों मुंडी आवा हिला रहा है, बीन की मधुर गंध आ रही है इसलिए मुंडी हिला रहा है, या सांपों का अपना बाहरी कानों द्वारा बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है इसलिए वो एंजॉय कर रहा है उस गाने को, उस बीन को, या फिर सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, या बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो सही आंसर क्या है, फोर्थ वन, क्योंकि जो सांप होते हैं उनके पास कान नहीं होते हैं, वो वाइब्रेशन के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि क्या हो रहा है आसपास में, ठीक है। तो जो कंपन हो रहा है उसके माध्यम से ही वो क्या करता है बेचारा यहाँ वहाँ मुंडी हिलाता है, और हम लोग को लग रहा है सांप तो एंजॉय कर रहा है बट वो एंजॉय नहीं करता। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ वन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। दो छात्राएं हैं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट दी गई है, मतलब उनकी ना हेल्थ के रिगार्डिंग रिपोर्ट दी गई है, तो उसे बताना है कि दोनों में क्या प्रॉब्लम है या दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। तो एक्स जो है ना वो 12 वर्ष की है, जो स्त्री है, और इसको जो हीमोग्लोबिन है उसके बॉडी में 10.5 ग्राम डेसीमीटर है, ठीक है, डेसीलीटर है। और जो वाई है वो भी स्त्री है, उसकी एज 10 वर्ष है, ओके, बट उसमें हीमोग्लोबिन कितना है 12.5 ग्राम डेसीलीटर। तो इसमें आपको बताना है कि भाई कुछ से कुछ तकलीफ तो नहीं है ना। तो एक्स जो है रक्त शून्यता मतलब कि अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं है, मतलब अरक्तता का मतलब होता है अनीमिया, ठीक है। एंड वाई जो है रक्त शून्यता अरक्तता की रोगी है, वाई कैसे रक्तता की रोगी होगी जबकि एक्स नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वाई को कोई तकलीफ नहीं है, वाई के पास तो सफिशियंट खून है भाई। एक्स और वाई जो है ना दोनों रक्त क्षीणता के रोगी हैं, दोनों को रक्त की कमी है बिल्कुल भी नहीं, एक्स और वाई दोनों रक्त क्षीणता मतलब अरक्तता के रोगी नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि एक्स वाला तो है ना, एक्स में तो सिर्फ 10.5 ही खून है, राइट। तो जो ऑप्शन नंबर वन है ना वो सही है, ठीक है। और वैसे भी ना खून हमेशा 12 से ज़्यादा ही होना चाहिए, अगर 12 से कम है तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है आपके बॉडी में। ओके, सो ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। मैच द फॉलोइंग लोकेशंस एंड कॉमन हाउसेस। तो लोकेशंस भी दिए हैं एंड कॉमन हाउस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सारा क्वेश्चन को एक साथ ले लेते ताकि तकलीफ ना हो। ओके, चलिए देखते हैं। असम हाउस बोट, लद्दाख मेड ऑफ स्टोन्स विथ वुडन फ्लोर सीलिंग, मनाली मेड ऑफ मड रूफ, मड ऑफ थॉर्नी बुशेस। तो अब देखो, अगर आप ना सिर्फ दो ही तीन क्वेश्चंस पढ़ोगे ना तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो असम के घर कैसे होते हैं, बाम्बू पिलर पे होते हैं, राइट, मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स, ये मतलब कि बी का आंसर क्या होने वाला है आपका, फिफ्थ वन, ठीक है। बी का आंसर क्या होने वाला है, लद्दाख, सॉरी असम के घर, मतलब ए का आंसर होने वाला है आपका फिफ्थ वन, ठीक है, ए का आंसर होगा फिफ्थ वन। लद्दाख के घर कैसे होते हैं वे भी हम लोग ने पढ़ा है कि देखते हैं एक बार, वुडन फ्लोर सीलिंग, तो लद्दाख का तो सेम ही दिया है, बी का बी ही आएगा, राइट, क्योंकि लद्दाख की जब हम लोगों ने स्टोरी पढ़ी थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उनके घर होते हैं पत्थरों के बने होते हैं, पर जो उसकी सीलिंग होती है ना वुडन की होती है, ओके, पत्थरों के घर बनाए होते हैं, लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया हुआ रहता है, और जो उसका कोटिंग होता है ना, जो प्लास्टर करते हैं वो मिट्टी का करते हैं वो लोग, ठीक है। तो बी का बी हो गया। तो चलो देखते हैं फर्स्ट का फिफ्थ और बी का सेकंड कहाँ कहाँ दिया है। फर्स्ट का फिफ्थ इसमें भी दिया है, बी का सेकंड इसमें भी दिया। अब आगे हमें एक और फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, मनाली का घर कैसा होता है वो आपको बताना है। तो राजस्थान का अगर हम देख लें ना तो थॉर्नी बुशेज होता है, मतलब डी का आंसर क्या होना चाहिए, डी का आंसर होगा थर्ड। तो डी का आंसर थर्ड किसमें दिया है, ठीक है, इसमें और इसमें हमको देखना है। तो डी का आंसर थर्ड दिया है फर्स्ट वाले में, राइट, इसमें भी तो दिया है अभी, और हमको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ओके, अब बच गया हमारा राजस्थान का घर भी हो गया,
हिमाचल प्रदेश का घर कैसा होता है? मेड अप ऑफ स्टोन्स वुड विथ स्लैंटिंग रूफ। स्लैंटिंग रूफ के घर कहाँ पे होते हैं वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो स्लैंटिंग रूफ के जो घर होते हैं ना वो होते हैं मेड ऑफ स्टोन्स वुड विथ स्लैंटिंग रूफ। किसके होते हैं? मनाली के जो घर होते हैं ना वो स्लैंटिंग रूफ वाले होते हैं। ठीक है, तो सी का क्या आ जाएगा? फोर्थ वन। सी का हो जाएगा फोर्थ वन, मतलब ऑप्शन नंबर वन जो है ना इसके लिए सही है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए और सारा पढ़ा हुआ है। जिसने भी वीडियोस नहीं देखे हैं जाके मेरे EVS के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो के बाहर का तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 76 वाला। स्क्रीन को करते हैं बड़ा और पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। 76, अ न्यू स्टूडेंट फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री ज्वाइन योर क्लास विच predominantly consist of local students. You want to use this an opportunity to teach students the value of diversity and build inclusiveness. Which of this activity is best suited for the purpose? मतलब कि आपके क्लास में दूसरे कंट्री का बच्चा आया है, ओके, तो आप उस क्लास के बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे? क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, उनको अपने साथ में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनके साथ में वहाँ के स्थानीय क्षेत्र के बच्चे भी शामिल है, लोकल एरियाज के बच्चे शामिल है, और वो बेचारा तो दूसरे कंट्री से आया हुआ है। तो इस छात्र को जो विविधता का महत्व सिखाना और समावेश का निर्माण करने के अवसर के रूप में क्या उपयोगी होना चाहिए वो आपको बताना है, क्या उपयोगी होना चाहिए। ओके, तो स्थानीय छात्र नए छात्रों को बताए कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसा बच्चा क्यों बताएगा मतलब कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसको खुद ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही एक बच्चा है। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानताओं और अंतरों के बीच में कक्षा में चर्चा करेंगे या कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएंगे, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते हैं, किसे महत्व देते हैं आदि, या कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने देंगे। तो क्या करेंगे आप? सबसे अच्छा यही ऑप्शन लग रहा है कि अगर आप बच्चों के साथ क्लास में चर्चा करेंगे तो बच्चों को बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो 76 वाला आंसर जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, 78 वाला। 76 वाला था ना ये, हाँ। अब हम देखेंगे 77 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज्ड टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। मतलब कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? वर्चुअल बैकग्राउंड, चैट में GIF या फिर म्यूट बटन या फिर ऑडियो कॉल। किसके थ्रू बिना बोले संचार किया जा सकता है, बिना बोले बात होगी किसके थ्रू होगी भाई? वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं, देखो वर्चुअल बैकग्राउंड है तो उसमें कहीं ना कहीं से तो आवाज़ें तो आएंगी। ठीक है, चैट में GIF, अगर हम GIF कर रहे हैं ना, भेज रहे हैं सिर्फ GIF, हाय का GIF होता है, कैसे हो, खाना खा लिया, हर एक चीज़ का GIF आज के डेट में हो रहा है, जिसमें आप बिना बोले अपने बात को सामने वाले को दर्शा सकते हो, सामने वाले को बता सकते हो। तो GIF जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिना बोले हम लोग आधी बातें बोल देते हैं। ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 78 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जो है वो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? ओके, वो आपको बताना है। तो उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना, पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों
की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना या फिर विभिन्न देशों जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा की पहचान करने के लिए ग्रुप का उपयोग करना। तो कौन सा सही आंसर है 78 के बारे में? तो संरचना वाली दृष्टि सबसे अधिक जो है वो अच्छा है, ऑप्शन नंबर 4। तो विभिन्न देशों के जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा उनकी पहचान करने के लिए ग्रुप का उपयोग करना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। नेक्स्ट देखते हैं 79 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिविटी लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में बच्चे को एक्टिव रखना, उसमें व्यस्त रखना, तो सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होगा? श्याम छात्र जो है वो श्याम पट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का माइंड मैप बनाएंगे, या फिर दो दो छात्र मिलकर फूल के उन विभिन्न भागों को सूचीबद्ध करेगा जिसका उल्लेख EVS पाठ्य पुस्तक में किया गया है, या फिर पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो दिखाने के बाद छात्र जो है साड़ियों पर बने विभिन्न प्रतिरूपों पर चित्र बनाएंगे, या फिर छात्र जो है इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्याम पट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो देखो, लिखने से बच्चा जो है कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता और कभी भी एक्टिव नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, बच्चे को क्लास में एक्टिव बनाना है। तो अच्छा उदाहरण कौन सा रहेगा 79 के लिए? तो आप क्या कर रहे हो, बच्चे को ना श्याम पट पर बुला रहे हो और बोल रहे हो कि भाई तू क्या करो, विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में विचार करो और उसका अपना माइंड मैप बनाओ। तो इससे बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। सूचीबद्ध करेंगे हम बच्चों को, शैम्पट पर लिखने के लिए बोलेंगे, चित्र बनाने के लिए बोलेंगे, ये सब सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा पाक शास्त्र पर? ओके, वॉट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क With respect to a lesson on cooking, तो कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, या फिर छात्र से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने के लिए, आपस लिखने के लिए है, तुरंत कट कर दो, ये नेगेटिव ऑप्शन। ओके, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहाँ छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, या फिर कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहाँ सभी बच्चों को टमाटर मिर्च आदि ऐसे पौधे उगाने के लिए कहना। तो आप क्या कहेंगे अपने बच्चों के लिए, ठीक है, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, बच्चों को हम लोग क्या करें बोलेंगे, आग रहित खाना बनाने के लिए। हमारे स्कूल में भी ऐसा ही हुआ था कि आपको बिना आग का इस्तेमाल किए बिना खाना बनाना है, तो बच्चों ने सैंडविच बनाया था, फिर पानी पूरी के लिए भी उसकी ज़रूरत नहीं होती है, राइट, सिर्फ पुलकी बाहर से लेके आना होता है, बाकी तो इजीली सिर्फ पानी बिना आग के बन जाती है। फिर किसी ने जूस वगैरह बनाया था जिसमें आग का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो ये एक्टिविटी जो है वो अच्छी है। ओके, एक ऑथेंटिक टास्क है बच्चों को कुकिंग का लेसन सिखाने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं अब 81 वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। भावनाओं को साझा करने के बाद एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर EVS में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ठीक है, क्यों सिखाया जा रहा है? हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना ज़रूरी है, इसीलिए हम बच्चे को सारे वैल्यूज सिखाते हैं, या फिर हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग है, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना ज़रूरी है, या आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पहला ये कदम है, इसलिए हम लोग भावनाओं को सिखाते हैं EVS में, या फिर भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। जैसे आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपके लिए भावनाओं को भी समझना महत्वपूर्ण है। तो इसमें से सबसे सटीक आंसर आपको क्या लग रहा है,
वो आपको अब बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा ये तो बिल्कुल भी नहीं कि आप दिव्यांग बच्चे भी रहते हैं इसलिए आपको थोड़ा संवेदनशील बनना है, ये तो बच्चे के अंदर आ ही जाएगा जब आप उसको पहला वाला सिखाओगे कि हम जो है ना हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उसमें हर तरीके के बच्चे आ जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया गया कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, तो समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें देखो दिव्यांग बोल के पहले ही इस वर्ड को नेगेटिव कर दिया गया है। ओके, हार्मोन्स कैसे कहाँ से आ गया भावनाओं के लिए, यहाँ पे हार्मोन्स का कोई काम नहीं था, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक ही बनना है इसलिए हम लोग भावनाएँ शेयर करते हैं, ये भी सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर वन जो है वो सही है। ओके चलिए देखते हैं 82 वाला क्वेश्चन। उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश देख रहे हैं। उजायरा जो है देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शहमीर बोलता है होनी ही चाहिए, यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी है, देखो विभिन्न राज्यों के बीच में भी रेखाएं हैं। तो उपरोक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए प्रयोग किया गया है, तो इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न मदद करेगा बच्चों को देशांतर और अक्षांश के बारे में सीखने के लिए? ओके तो चलिए देखते हैं 82 वाला क्वेश्चन। आपके अनुसार सड़कों पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? फोटो लेते समय आपके कैमरे के स्क्रीन पर ग्रीड रेखाएं क्यों नज़र आती है? विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियां का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें सबसे सही जो एग्जाम्पल होगा 82 का बच्चों को देने के लिए वो है आपका सेकंड वाला, मैथ्स के साथ उसको जोड़ेंगे क्योंकि देखो ग्राफ जो है ना इसमें आपको ये वाली लाइन भी मिलती है और ऐसी वाली, मतलब स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन दोनों लाइन मिलती है, तो बच्चा जो है ना इसके हेल्प से ये वाले एग्जाम्पल के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से समझेगा। ओके तो ये एग्जाम्पल सही है देशांतर और अक्षांश के बारे में सीखने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। फॉर द टॉपिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स विच ऑफ दिस इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य और पर्याप्त है, ठीक है, प्राप्य है। विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग किया जाता था, या फिर छात्र जो है ताजमहल की एक वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे, या फिर छात्र गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, या फिर छात्र जो है ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। तो ऐतिहासिक स्मारक जो है ना उस विषय के लिए शैक्षिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, अगर आप पढ़ा रहे हो ऐतिहासिक स्मारक के बारे में तो बच्चे के अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होना चाहिए, ठीक है। तो 83 का जो सही आंसर है वो आंसर है आपका थर्ड वाला, ठीक है। छात्र जो है गोलकुंडा किले के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, तो 83 का जो सही आंसर है वो है थर्ड वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं 84 वाला क्वेश्चन। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हुए अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके, ठीक है। तो आपने छात्रों को बताया है कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? ओके तो कौन सी प्रक्रिया जो है
बच्चा जो है उपयोग में करेगा। एक पोस्टर लगाएं जो दर्शाए कि किन प्रोजेक्टों में गोद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। अपनी परियोजना पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हैं। छात्रों को एक साझा रिजल्ट में लिखने को कहें उन्हें कब और क्यों कितने चम्मच गोंद लिया नहीं। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहें। ऐसा कौन बोलेगा, तब तो ये बेचारा गोंद कोई किसी काम का नहीं रहेगा। अब आपको किसका किस में आंसर चुनना है, फर्स्ट एंड सेकेंड में आंसर चुनना है, ठीक है। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट को वापस पढ़ लेते हैं एंड सेकेंड को भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक पोस्टर लगाएं, एक पोस्टर क्यों लगाएगा बच्चा, ये भी गलत हो गया, ठीक है। सही आंसर क्या है आपका, सेकेंड वाला। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों को उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहेंगे जो कि चिपचिपी है। ओके, पहले से लिस्ट बना लो कौन सी चीज़ें चिपचिपी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। मतलब प्रयोग करने के बाद, प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो यह समझने के लिए कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल एक बूंद प्लेट पर डालना, प्लेट को तिरछा करना, ठीक है। पता लगाने के लिए कि मानव आँख कितनी दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन, ओके। मतलब एक्सपेरिमेंटेशन में, एक्सपेरिमेंट के बाद आप बच्चों से किस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे, आपने किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। कौन सी सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। गिनकर तो वो चीज़ नहीं समझ में आएगा, राइट, तो पहले ही गलत हो गया। अपने ज़िले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, तो सही आंसर जो है 85 का वो है सेकेंड वन, ठीक है। फर्स्ट वन 85 का आंसर हम लोग देख रहे हैं ना, ये तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट फॉर 85, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला, ओके। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सर्वश्रेष्ठ होगा, मतलब आपको नीचे जो दिए हैं ना चार एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से प्रयोग करने के बाद, ठीक है, तो प्रयोग के लिए उपयोग में होने वाली सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट में डालना और प्लेट को तिरछा करना, या पता लगाने के लिए कि मानव आँख कितने दूर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना, या कौन सी सब्जी जल्दी ख़राब हो जाती है जानने के लिए यह गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है, अपने ज़िले से अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना, तो कौन सा सबसे अच्छा माध्यम है, ओके। एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा होगा प्रयोग के लिए, प्रयोग पे उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो 85 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर वन इज़ द करेक्ट, क्योंकि ये समझना कि कौन सा तरल पदार्थ तेज़ी से बहेगा, कौन सा तरल पदार्थ धीरे बहेगा, कौन सी प्लेट तिरछा करने पर जल्दी बह जाएगा, कौन धीरे 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 बहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर वन जो है ना वह सही है, ठीक है। 86 की बात किया जाए अगर, तो 86 का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट रिलेवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन, तो सीजन के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है, कब कौन सा मतलब सबसे उदाहरण जो सबसे ज़्यादा आकर्षक बनेगा, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच के अंतरों का वर्णन करना, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उन्होंने इनमें से उपयोग कब किया है, या छात्रों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में
पौधे कैसे बदलेंगे, ओके, या फिर छात्रों को सूर्योदय से सूर्यास्त और फिर से सूर्योदय तक लोगों की गतिविधियां से संबंधित। तो देखो आपको क्या पढ़ाना है, कॉमन सेंस की बात है कि आपको बच्चों को ऋतुओं के बारे में पढ़ाना है, मतलब ठंडी का सीजन होता है, गर्मी का सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, ये आपको पढ़ाना है। सबसे आकर्षक उदाहरण क्या होगा, सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि हम बच्चों को बोले कि आप छात्रों को एक टोपी देंगे, एक बरसाती देंगे और एक स्वेटर दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने इसका इस्तेमाल कब कब किया है, राइट। तो यही एग्जांपल जो है ना ऋतुओं के बारे में समझने में काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलो देखते हैं 87 वाला। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट क्वेश्चन बेस्ट टेस्ट फॉर दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो अधिगम का उद्देश्य है कि छात्र जो है ना संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न जो है ना इस अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। तो हम जो हैं कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? यदि आपके माता पिता में से किसी एक को मलेरिया है तो स्वयं को इसके होने के जोखिम को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने से आप किन रोगवाहक कीड़ों को रोक सकते हैं? जीवाणु और विषाणुओं से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ कौन सी है? ठीक है, तो ये जो है बातें आपको ढूंढनी है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कौन सी चीज़ें कम्युनिकेशन से फैलती है, कौन सी चीज़ें कम्युनिकेशन से नहीं फैलती है, ये जो एम है उसमें से बच्चों को बताना है कि बेस्ट जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो 87 का ये क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, कि कोविड को रोकने के लिए हम मास्क का उपयोग कर रहे हैं और मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। ओके, मधुमेह का मतलब क्या होता है, डायबिटीज़। तो क्योंकि देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सा है, जो कोरोना है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जो डायबिटीज़ है ये नॉन कम्युनिकेबल है। पर ऐसा होता है कि अगर बच्चे को है तो फिर वो पेरेंट्स को है तो बच्चों को भी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला क्या कहना चाहता है। एक शिक्षिका जो है वो अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर वगैरह का या स्मार्ट क्लास का इस्तेमाल करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी। टीचर क्या सिखाना चाह रही है, वैश्विक धरोहर। ओके, जो भी हमारे ताजमहल है, कुतुब मीनार, जो भी है वैश्विक धरोहर, तो इसके लिए कौन सा टेक्निक जो है तकनीक अच्छा होगा, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता या ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है वो है आपका 88 वाला, 88 का क्वेश्चन है। ठीक है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, वर्चुअल रियलिटी या ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। आपको बच्चे को क्या सिखाना है, हेल्परेज साइट के बारे में बताना है। ठीक है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी। आप बच्चे को लेके जाएं और रियलिटी के बारे में खुद बताएं वहाँ पर, तो बच्चा जो है ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। बट इसका आंसर ना एनिमेटेड वीडियो भी होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे को ही सिखा रहे हैं, तो एनिमेशन के माध्यम से सिखा तो ही बच्चा अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, बट आंसर क्या है, वर्चुअल रियलिटी। चलिए देखते हैं आगे 88 वाला क्वेश्चन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना। यस, तो 88 का क्या हो गया, आभासी वास्तविकता। अब आएगा हमारा 89 वाला, द टीचर वॉन्ट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड को किस तरीके से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं वो टीचर सिखाना चाहती है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा
आइटम अच्छा होगा, पापड़, चिप्स या कर्ड या फिर अनराइप मैंगो, ठीक है, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना है आपको। तो प्रिजर्व करने का, देखो पापड़ तो ऑलरेडी प्रिजर्व ही रहता है, राइट, एंड कर्ड जो है वह जल्दी ख़त्म हो जाता है। जैसे कि देखो पापड़ को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, चिप्स को भी हम लोग प्रिजर्व करते हैं, कर्ड जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अनराइप मैंगो जो है वो भी जल्दी ख़राब हो जाता है, और कर्ड भी जल्दी ख़राब हो जाता है। ओके, सो द ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज़ द करेक्ट, पर ऐसा कुछ शायद ऑप्शन नंबर 1 और 2 दिया नहीं है ना, बट 1 और 2 दोनों ही सही दिया गया था उस टाइम पे। अगर जिसने 1 को लगाया था तो वो भी सही था, जिसने 2 को लगाया था वो भी सही था, क्योंकि ऑप्शन है 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है चिप्स और पापड़ बहुत सालों साल प्रिजर्व होते हैं, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वाला, और ये जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। तो हिंदी में क्वेश्चन देखेंगे, सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो है ना इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब कि मिसेज जो मिस वैष्णवी इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द कम्युनिटी, विच ऑफ द एग्जांपल इज द बेस्ट सुटेड टू टीच द कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस के बारे में बता रही है। तो ये है अबैंडोंड प्लेग्राउंड, गार्बेज डिस्पोजल ग्राउंड, पुलिस स्टेशन या फिर द बार्बर। ओके, इंटरडिपेंडेंट कौन है, खेल का परित्यक्त मैदान, कूड़ा एकत्र करने की जमीन, पुलिस थाना या नाई। इंटरडिपेंडेंस इज द नाई इज द इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब कुछ कर दे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।